चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपके साथ सिंपल और यूनिक प्रोडक्ट वाले ई कॉमर्स के स्टोर शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। एंटरप्रेन्योर ने ई कॉमर्स का स्टोर शुरू किया, कंसेप्ट दिमाग में यही रखा कि सिंपल और यूनिक सी प्रोडक्ट मार्केट में यहाँ पे लॉन्च करते हैं, ऑनलाइन तरीके से बेचते हैं और यहाँ पे करोड़ का प्रॉफिट बनाया, मल्टीपल करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बना लेते हैं एक्स वाई जेड सिंपल और यूनिक प्रोडक्ट के साथ। शुरू कर ही देते हैं दोस्तों आज के इस एपिसोड को www.thescrubha.com के साथ। ये दोस्तों जो स्टोर है ना, पोर्टेबल हॉसिंग बैग बेचता है, पोर्टेबल हॉसिंग बैग, बिल्कुल ही दोस्तों यूनिक सी प्रोडक्ट है। आज तक ना मैंने इतनी सिंपल और यूनिक सी प्रोडक्ट नहीं देखी हुई है। ये दोस्तों यहाँ पे ना एक टाइप का बैग समझ लो, यदि आपके पास गंदे कपड़े हैं और आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, मान के चलो कि आप फॉरेस्ट में ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पे झरने बह रहे हैं, बहुत सारा नेचर है और आप एक हफ्ते के लिए ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे कैंपेन कर रहे हो और आपको कपड़े धोने हैं, तो आपको ये बैग साथ में लेके जाना है और आपको ये बैग में ना अपने ये गंदे कपड़े डाल देना है, पानी डाल देना है और इस हिसाब से बैग को ऐसे हिलाना है और ये आपके कपड़े दोस्तों यहाँ पे वॉश कर देगा। तो ये बिल्कुल दोस्तों एक हिसाब से कह लीजिए एग्जैक्ट जो मैंने वर्ड यूज़ किया, पोर्टेबल वॉशिंग बैग की तरह काम करेगा ये बैग और आपके कपड़े फिर यहाँ पे वॉश हो जाएंगे और आपको कहीं पे भी सुखा देना है। तो ये दोस्तों यहाँ पे कंसेप्ट इसीलिए भी सक्सेसफुल हुआ है, ई कॉमर्स का स्टोर सक्सेसफुल इसीलिए हुआ है क्योंकि यूएस यूके में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो युवा है एडवेंचर करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, सोलो ट्रैवल एक्स वाई जेड, तो बिल्कुल ही नॉर्मल सा यहाँ पे कल्चर है, इसीलिए दोस्तों ये प्रोडक्ट सफल हुई है। यहाँ पे $3-5 million का दोस्तों यहाँ पे एनुअल रेवेन्यू हो रहा है ये स्टोर का यहाँ पे अपनी सिंपल और यूनिक सी प्रोडक्ट के साथ। आगे बढ़ते हैं www.ring.com के साथ। ring.com दोस्तों यहाँ पे वीडियो डोरबेल या बेचने वाला एक ई कॉमर्स का स्टोर है, वीडियो डोरबेल, और ये अमेजोन ने एक्वायर कर लिया। अमेजोन के एक्विजिशन से पहले दोस्तों ये जो स्टोर है ना $200-300 million एनुअल रेवेन्यू करने वाला ई कॉमर्स का स्टोर था। आगे बढ़ते हैं www.stacerbag.com। stacerbag.com दोस्तों यहाँ पे रीयूजेबल सिलिकॉन के बैग बेचते हैं, रीयूजेबल सिलिकॉन के बैग दोस्तों, मान के चलो एक्स वाई जेड पर्सनल ऑफिस पे जा रहा है डेली बेसिस पे और ऑफिस में मील लेके जाना है या फिर कोई डाइट के लिए वेजिटेबल है, सब्जी है, फ्रूट मिक्स करके काटा हुआ है और ऑफिस जाके खाएगा, तो ये रीयूजेबल बैग यहाँ पे दोस्तों रीयूजेबल सिलिकॉन बैग सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और सस्टेनेबल इको फ्रेंडली जो मूवमेंट चल रही है दुनिया भर में कि प्लास्टिक का यूज़ बढ़ रहा है तो प्लास्टिक को कम किया जाए, प्लास्टिक को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा यूज़ किया जाए, तो ये रीयूजेबल दोस्तों सिलिकॉन बैग बेच के स्टोर है $5-7 million एनुअल रेवेन्यू कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, अभी मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके भी बता देता हूँ, $5 million यानी कि कितना हो गया 40 करोड़ के आसपास। तो ये 40 करोड़ के आसपास दोस्तों मिनिमम एनुअल रेवेन्यू करने वाला ई कॉमर्स का स्टोर है। आगे बढ़ते हैं www.balmuda.com है। balmuda.com दोस्तों यहाँ पे अपने टोस्टर के लिए फेमस है ये स्टोर, द बालमुडा टोस्टर ये लोग यहाँ पे बेचते हैं और टोस्टर बेच के ये स्टोर $10 million से लेके $15 million का एनुअल रेवेन्यू कर रहे हैं, यानी कि 80 करोड़ से 100 करोड़ का दोस्तों एनुअल रेवेन्यू करने वाला ये ई कॉमर्स का स्टोर है। आगे बढ़ते हैं ये थोड़ा दोस्तों जो डोमेन नेम है प्रोनाउंस करना डिफिकल्ट है और उनकी प्रोडक्ट भी थोड़ा बहुत हटके हम कह सकते हैं, www.fultonandroark.com है। fultonandroark.com दोस्तों यहाँ पे यूनिक टाइप के परफ्यूम बेचते हैं और ये यूनिक टाइप के परफ्यूम बेच के $3-5 million का एनुअल रेवेन्यू कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं www.hellolumio.com है। hellolumio.com दोस्तों यहाँ पे फोल्डेबल बुक के लैंप बेचते हैं, फोल्डेबल बुक लैंप एक हिसाब से कह सकते हैं और डिजाइनिंग में डेकोरेशन में दोस्तों तगड़े लगते हैं और $5-8 million दोस्तों ये लोग यहाँ पे अपने फोल्डेबल बुक लैंप बेच के बना रहे, $5-8 million ये यहाँ पे एनुअल रेवेन्यू करने वाला स्टोर है। इस टाइप की प्रोडक्ट ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इजीली परचेस होती है क्योंकि आप देखोगे फोल्डेबल बुक लैंप दुनिया भर में स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं, रात को पढ़ाई कर रहे हैं तो साइड में रख देंगे फोल्डेबल बुक लैंप, बहुत सारे लोग यहाँ पे सोने के टाइम पे ना ये चाहते हैं, जब सोते हैं तब सोने से पहले पूरा ना ओह रूम में डार्कनेस नहीं चाहते, तो थोड़ी बहुत कहीं पे लाइट जल रही है तो इस टाइप की छोटी कह लीजिए प्रकाश वाली लाइट रख देते हैं या फिर इस टाइप के फोल्डेबल लैंप रख देते हैं और ख़ास करके बुक लैंप, फोल्डेबल बुक लैंप सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सोने से पहले ना साइड में रख देंगे, तो इसी हिसाब से दोस्तों इस टाइप की प्रोडक्ट यहाँ पे सोर्स करना भी इजी होता है। ये प्रोडक्ट चाइना से सोर्स होती है सबसे ज़्यादा और यूएस के दोस्तों जितने भी स्टोर भी बनते हैं जो ई कॉमर्स की प्रोडक्ट बेचते हैं डिफरेंट टाइप की, जहाँ पे थोड़ा बहुत दोस्तों टेक्नोलॉजी आ जाता है, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट इनोवेशन आता है, मेजोरिटी वो चाइना से प्रोडक्ट सोर्स की जाती है क्योंकि अमेरिका के लोग दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को कुछ ऐसा मानते हैं, ध्यान से समझना,
जैसे हमारे भारत में गवर्नमेंट जॉब को माना जाता है, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, अमेरिका में दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को कुछ ऐसा माना जाता है जैसे हमारे भारत में गवर्नमेंट जॉब के लिए एक जो स्टूडेंट प्रिपेरेशन करते हैं ऐसा माना जाता है। यानी कि एक्स वाई जेड पर्सन ना दोस्तों जैसे ही यहाँ पे उम्र के साथ बड़ा होता है भारत में, वो गवर्नमेंट की जॉब की ओर आगे बढ़ता है। कभी ना कभी एक स्टूडेंट दोस्तों अपने करियर में बड़ा होता है ना, तो हमेशा वो कह लीजिए डिफरेंट डिफरेंट करियर चूज करने में कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट जॉब लेने की प्रोसेस से बढ़ता ही है कि यार मैं ये जॉब के लिए प्रिपरेशन करूँ, आईएएस बनूँ, एक्स वाई जेड चीज, तो उनको एक्सपोजर मिलता है गवर्नमेंट जॉब का। यहाँ पे सभी बच्चों को होता है भारत में। इसी हिसाब से अमरीका के दोस्तों जो मेजोरिटी बच्चे होते हैं उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप का अर्ली एक्सपोजर होता है। एंटरप्रेन्योरशिप का अर्ली एक्सपोजर होता है तो बहुत सारे जो युवा है दोस्तों यंग एज में, मैं कहूँगा अमरीका से चाइना ट्रैवल करके आते हैं, और चाइना में दोस्तों बहुत सारा इनोवेशन भरा पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को लेके, दोस्तों भरा पड़ा है। मैं ऐसा दो बार रिपीट कर चुका हूँ क्योंकि इतना है चाइना में इनोवेशन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को लेके। बस एक ग्रेट मार्केटर हो तो यहाँ पे ई कॉमर्स का स्टोर एब्सोल्युटली सफल हो सकता है। और ये दोस्तों hellolumio.com 5 to 8 million dollars बना रहा है इसी टाइप के फोल्डेबल बुक लैंप बेच के। 5 to 8 million dollars बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों, 40 करोड़ से लेकर 50-60 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू करने वाला स्टोर है इतने सिंपल से प्रोडक्ट के साथ। आगे बढ़ते हैं, hellowind.com है। hellowind.com दोस्तों यहाँ पे पोर्टेबल एयर प्योरीफायर बेचता है, और इस हिसाब से इनका कंसेप्ट है कि ये हमारा एक डिवाइस है अपने घर पे लगा दो और आपकी घर की एयर क्लीन कर देंगे, एयर प्योरीफायर की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। ये प्रोडक्ट 8 to 10 million dollars का दोस्तों एनुअल रेवेन्यू करने वाला स्टोर है। और जितने भी दोस्तों अर्निंग के डेटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं सब वेरीफाइड डेटा आपके साथ यहाँ पे शेयर हो रहा है, जो भी रेवेन्यू नंबर हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले एक क्विक ब्रेक, बात कर लेते हैं हमारे मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन मीडिया बिजनेस प्रोग्राम की। जो हमारे पुराने व्यूअर हैं, रेगुलर हमारे वीडियोस को देखते आ रहे हैं, हमारी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने प्रोग्राम को ऑलरेडी इनरोल कर लिया और अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू भी कर दिया। जिन्होंने बहुत ही अर्ली में यहाँ पे प्रोग्राम को इनरोल किया था और चीजें एग्जीक्यूट की थी, आज वो मंथली बेसिस पे अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। जिन्होंने रिसेंटली हमारे प्रोग्राम को इनरोल किया था उनके डैशबोर्ड पे यहाँ पे डॉलर दिखना शुरू हो चुका है। जो नए व्यूअर है पहली बार इस वीडियो पर आए, जिन्हें नहीं पता हमारे प्रोग्राम के बारे में, दोस्तों थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। टोटल हमारा 13 days का मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन मीडिया बिजनेस का प्रोग्राम है, जहाँ पे आप लर्न करोगे कॉपी पेस्ट मीडिया बिजनेस, सॉफ्टवेयर मीडिया बिजनेस और कॉरपोरेट मीडिया बिजनेस। जो चीज दोस्तों मैंने खुद यहाँ पे बिल्ड की है वही चीज यहाँ पे मैंने सिखाई है। आप अमेरिकन मार्केट को टारगेट करते हो भारत में बैठ के, इसलिए पैसा कमाने का पोटेंशियल ज्यादा रहता है किसी और काम के कंपैरिजन में। प्रोग्राम में इनरोल करने को लेके यदि आपको कोई क्वेरी है, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप हमारी टीम से यहाँ पे आपकी क्वेरी का दोस्तों सॉल्यूशन ले सकते हो। आप इस बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम भी कर सकते हो और एज अ यहाँ पे फुल टाइम भी कर सकते हो। ये दोस्तों एक लाइफ स्टाइल बिजनेस है, यानी कि यदि आपको फ्रीडम चाहिए, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है फ्रीडम, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है यहाँ पे लाइफस्टाइल बिजनेस, जहाँ पे आप आपके हिसाब से काम करते हो, आप यहाँ पे ऑनलाइन काम करते हो, फिर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम यहाँ पे रहेगा। प्रोग्राम इनरोल करने के बाद आपको दोस्तों पहला बिजनेस क्लब का फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। पहला बिजनेस क्लब का फ्री में एक्सेस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पहला बिजनेस क्लब के थ्रू आप वन ऑन वन आपकी कोई भी क्वेरी का मुझसे आंसर ले सकते हो। आपकी ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी में कभी भी कहीं पे फंस जाते हो, कहीं पे डाउट रहता है आपको, मैं विद इन 24 आवर आपको डेटा बेस्ड यहाँ पे आंसर दे दूंगा क्योंकि मैं एक ही जगह पे एक्टिव रहता हूँ। पहला बिजनेस क्लब के थ्रू मुझे पर्सनल क्वेरीज आती है, मैं यहाँ पे क्वेरीज का आंसर दे देता हूँ। तो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हो। तो ये दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रोग्राम रिगार्डिंग बात कर दी। नाउ बैक टू एपिसोड, आगे बढ़ते हैं। www.getrocketbook.com है। getrocketbook.com दोस्तों यहाँ पे रीयूजेबल स्मार्ट नोटबुक बेचते हैं। नोटबुक एक बार परचेस कर लो यहाँ पे getrocketbook.com से, स्मार्ट नोटबुक है, लिखो कुछ भी करो, मिटा दो, सेव कर लो, वापस से नोटबुक की तरह यूज होगा। और ये दोस्तों यूजफुल प्रोडक्ट आपको भी लग रही होगी और ये यूजफुल प्रोडक्ट है, इसीलिए ये स्टोर का रेवेन्यू भी दोस्तों एनुअली $20 million से लेके $25 million, यानी कि हम कह सकते हैं 160 crore से लेके 200 करोड़ पर ईयर का रेवेन्यू करने वाला दोस्तों ये स्टोर है, क्योंकि प्रोडक्ट में ही दोस्तों दम है। तो ये प्रोडक्ट सिंपल सी भी कह सकते हैं, नोटबुक ही है ना, एक साथ देखा जाए तो यूनिक प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत एडेड है और जेन्यून दोस्तों प्रोडक्ट में दम है, क्योंकि अदरवाइज एक्साइजेड पर्सन को यहाँ पे, खास करके किड्स को दोस्तों इस टाइप की प्रोडक्ट अपने पेरेंट्स
परचेस करके यहाँ पे देते हैं, अदरवाइज बहुत सारी बुक लेनी पड़ती है और बुक्स को लेके भी दोस्तों एनवायरमेंटल बहुत सारे इश्यूज आज के टाइम पे खड़े हो रहे हैं। मैंने कहा ना ये यूएस यूरोप में तो इको फ्रेंडली मूवमेंट नेक्स्ट लेवल पे चल रही है कि यार सेव द अर्थ, ग्लोबल वार्मिंग, एक्स वाई जेड चीज, तो ये सब दोस्तों कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस टाइप के स्टोर को ना चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने में मदद रूप होता है, क्योंकि सामने वाला दोस्तों यहाँ पे मैं कहूँगा कस्टमर कन्विंस होना ज़रूरी है। इसके बारे में बात करेंगे, अभी लास्ट का एक एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल शेयर कर देते हैं, बाद में आपको साइकोलॉजी के बारे में भी बताना चाहता हूँ। www.sawartoga.com है, sawartoga.com दोस्तों यहाँ पे वेरिएबल टॉवेल बेचते हैं, सिंपल सी प्रोडक्ट टॉवेल, लेकिन ये वेरिएबल टॉवेल, और वेरिएबल टॉवेल बेच के दोस्तों $1 million एनुअल रेवेन्यू कर रहे हैं, 8 करोड़ के आसपास का ये सालाना रेवेन्यू करने वाला ई-कॉमर्स का स्टोर है। लास्ट में कवर कर रहे हैं दोस्तों www.bulletjournal.com है, bulletjournal.com दोस्तों यहाँ पे बुलेट जर्नल नोटबुक बेचते हैं, बुलेट जर्नल नोटबुक बेच के दोस्तों ये स्टोर है $1 to $2 million का यहाँ पे एनुअल रेवेन्यू कर रहा है। मैं दोस्तों आपको साइकोलॉजी बताना चाहता था, यहाँ पे कस्टमर की साइकोलॉजी ध्यान से समझो। आप कुछ भी दोस्तों बेचना चाहते हो, ऑनलाइन तरीके से बेचना चाहते हो, ई कॉमर्स का स्टोर बनाना चाहते हो, अपने आपको ये ना सिंपल सा क्वेश्चन करना है, आपकी प्रोडक्ट को लेके ये क्वेश्चन करना है कि ये प्रोडक्ट लोग क्यों खरीदेंगे, ऑनलाइन तरीके से क्यों खरीदेंगे। यदि दोस्तों एक्स वाई जेड प्रोडक्ट का आप स्टोर बनाना चाहते हो, इजीली मार्केट में अवेलेबल है, एक्स वाई जेड बंदा घूम रहा है 2-5-10 किलोमीटर में डेली गेड़ी लगा रहा है, और शॉप में ही बहुत सारी शॉप आसपास होती है, ऑफलाइन शॉप में ही वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, टंगी हुई पड़ी है, तो वो ज़्यादा स्टेप लेगा ही नहीं कि आपके स्टोर के थ्रू वो ऑर्डर को ट्रैक करे, फिर यहाँ पे वो इतने ज़्यादा स्टेप कंप्लीट करके वो प्रोडक्ट परचेस करें। सिंपल सा आया दोस्तों, अपने आपको एज अ कस्टमर रखो, कोई प्रोडक्ट इजीली ऑफलाइन स्टोर से मिल रही है तो मैं वहाँ पे जाके परचेस कर लूँगा, कैश में पैसा दूंगा, तुरंत प्रोडक्ट यहाँ पे ले लूँगा। ई कॉमर्स को लेके दोस्तों आज के टाइम पे सिंपल प्रोडक्ट और यूनिक प्रोडक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें दोस्तों सिंपल प्रोडक्ट की बात इसीलिए आती है क्योंकि बहुत बार ना बहुत टाइप की जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होती है ना वो लोग नए टाइप के ई कॉमर्स स्टोर से परचेस करना पसंद नहीं करते। बहुत बार बहुत टाइप की प्रोडक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट है, महंगी भी है, तो कस्टमर हिचकिचाहट महसूस करता है, यार ये इतनी महंगी प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट है, तो थोड़ा बहुत कन्विंस नहीं हो पाता, इनसे अच्छा कि वो एक्स वाई जेड शोरूम में जाके ले लेगा। और आज के टाइम पे तो बड़े बड़े दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं, रिलायंस के बहुत सारे प्लेयर है, तो एक टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर है अपने, बड़े बड़े क्रोमा के स्टोर और सब खोल के बैठे हैं, तो सिंपल प्रोडक्ट है, जैसे कि वाटर बॉटल है, तो वाटर बॉटल सिंपल प्रोडक्ट है, यहाँ पे कोई ज़्यादा कस्टमर को दिमाग भी नहीं लगाना पड़ रहा और अपने आप को कन्विंस करने में भी टाइम नहीं लगता है कि पता है वाटर बॉटल में क्या ही हो जाएगा, वाटर बॉटल है पानी भरने के लिए, तो इजीली उनका ऑनलाइन ऑर्डर यहाँ पे मिल सकता है। तो आज के टाइम पे आपको दोस्तों सिंपल और प्रोडक्ट यूनिक रखने पे, यूनिक यह सब ज़्यादा ज़रूरी है, यूनिक रखने पे खास फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों इंस्टेंट परचेस के, अपने आसपास के एरिया से प्रोडक्ट जब ऐसी होगी कि ईजिली मिल ही नहीं सकती है आसपास के एरिया में, तब वो वेट करेगा एक हफ्ते का आपकी प्रोडक्ट की डिलीवरी को लेके। तो ये सब दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी आपको एब्सोल्युटली समझना ज़रूरी है। और एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, यदि आप बिजनेस करना ही चाहते हो और आपके दिमाग में 24 घंटे पैसा 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 ही घूमता है, ये बात आपको बहुत ही कम लोग बताए कि पूरे यूट्यूब इंडिया में, मैं भी यहाँ पे बहुत ही कम बात करता हूँ, लेकिन आज बता रहा हूँ खुल के, रिसोर्सेज आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपके पास क्या अवेलेबल रिसोर्सेज है, अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से यह पैसा यहाँ पे बनाओगे और किसी भी काम को शुरू कर पाओगे। आपके दिमाग में यह भी आइडिया हो सकता है कि मुझे जियो की तरह एक बड़ा कह लीजिए एम्पायर बनाना है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा जियो की तरह, जियो का कंपटीटर बनने के लिए, तो इसीलिए आपके पास क्या रिसोर्सेज है, अपने आप से सच बोल रहा है। और हर एक दुनिया का दोस्तों बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर ना अपनी शुरुआती जर्नी में छोटे से छोटा काम करके ही आगे बढ़ा है, तो कभी भी ये मत दिमाग में डाल देना, यह बहुत बड़ी गलती होती है आज के टाइम पे। एक्स वाई जेड बंदा ना दिमाग में ये रखता है कि मुझे कुछ बड़ा बनाना है, बड़ा धंधा बनाना है, मिलियनर मल्टी मिलियनर एक बड़ी कंपनी बनानी है, तो ये दिमाग में सोच तो लेता है, लेकिन रिसोर्सेज तो ऐसा बिगिनर होते नहीं है, और ये दिमाग ये माइंडसेट बन चुका है तो छोटा काम करने को रेडी भी नहीं है। जो कैश फ्लो वाले स्टार्टिंग के बिजनेसेस है, ऑनलाइन में छोटे मोटे असल है, वो करने को रेडी भी नहीं होता है, तो इसी के कारण ना टाइम वेस्ट होता है। मैंने बहुत सारे दोस्तों ऐसे लोग देखे हुए हैं इसी माइंडसेट के साथ, अपना 2-5-10 साल वेस्ट कर चुके हैं। तो कहना ये चाहता हूँ, यदि आप सच में ना दोस्तों बिजनेस से पैसा बनाना चाहते हो ना, कुछ भी आपको मिल रहा है ढंग का लग रहा है तो शुरू करो, वो काम लर्न करो, वहाँ पर थोड़ा इनपुट डालो, वहाँ पर अपना टाइम दो, हाथ पैर लगाना यहाँ पर आपको शुरू रखना है, तो कुछ ना कुछ वहाँ से निकलेगा। तो देख सकते हो दुनिया का बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर या कितनी भी बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बनाई हो, जो सेल्फ मेड हो, अपने उनके पहले काम को सर्च करो कि वो पहला कौन सा हासिल कर रहा था, तो बहुत ही दोस्तों छोटी चीज से ना यहाँ पे
किसी भी एंटरप्रेन्योर की जर्नी की शुरुआत होती है। तो एब्सोल्युटली दिमाग में ये रखना है कि यदि आपके पास ये काम को करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, भाड़ में जाए वो काम, छोड़ दो वो काम को, फिर वो टाइम वो काम पे क्यों ही रिसर्च करना, फिर वो काम पे यहाँ पे क्यों ही टाइम देना, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज है ही नहीं तो आप शुरू ही नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास भी दोस्तों मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर चलो आइडिया है कि यार हम ना एक बड़ी फैक्ट्री सेटअप करते हैं और वो बड़ी फैक्ट्री सेटअप करके हम एक्स वाई जेड टाइप का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जो चाइना में हो रहा है लेकिन भारत में कोई नहीं कर रहा इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करके। लेकिन वो फैक्ट्री बनाने के लिए मुझे 10-20 करोड़ अपफ्रंट चाहिए। यदि मेरे पास 10-20 करोड़ है ही नहीं तो मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं है। तो यहाँ पे मैं यदि आइडिया के बारे में सोचता ही रहता हूँ तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से दोस्तों रिसोर्सेज में 2-3 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। पहला है दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मनी इन्वेस्टमेंट। ये एक रिसोर्सेज है कि एक्स वाई जेड काम को करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या वो आपके पास है, वो धंधे को करने के लिए जो पैसा चाहिए वो है आपके पास, नहीं है तो सच बोलो, छोड़ दो वो काम को, किसी और काम को देखो। जितना आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो उतने पैसे में वो काम हो सकता है, तो ऐसे काम को उठाओ। सेकंड है दोस्तों रिसोर्सेज मैन पावर। बहुत बार ना बहुत टाइप के काम को करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, मैन पावर चाहिए, टैलेंट चाहिए। जैसे कि आपको कोई एप्लीकेशन बनाना है तो एप्लीकेशन बनाना है, कोड वाली प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर वाली प्रोडक्ट है, तो पैसा इतना नहीं लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन मैन पावर तगड़ा लगता है। तो यदि आपके पास मैन पावर का रिसोर्सेज ही नहीं है फिर भी आप शुरू नहीं कर पाओगे, तो फिर भी वो काम को छोड़ देना है। तो रिसोर्सेज 2-3 टाइप के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी पैसा, मैन पावर और टाइम का भी रिसोर्सेज होता है दोस्तों। देखिए एट द एज ऑफ 16 ना आप डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो क्योंकि आपके पास पैसा कमाने का प्रेशर नहीं होता इतना। लेकिन एक्स वाई जेड बंदा एट द एज ऑफ 36 कुछ भी शुरू कर रहा है ना, तो वो टाइम के रिसोर्सेज भी देखना पड़ता है कि एट द एज ऑफ 36 जो शुरू कर रहे हैं तो उन पे पैसा बनाने का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ दोस्तों आपको देखनी होती है, ये बात कहीं नहीं होती है पूरे यूट्यूब इंडिया में, ये बात नहीं होती है कि धंधे की सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता है, रिसोर्सेज भी दोस्तों यहाँ पे होना एब्सोल्युटली ज़रूरी है। तो अपने रिसोर्सेज के हिसाब से दोस्तों जितनी जल्दी हो सके उतना एक्शन लो। मैं अनकट एपिसोड दोस्तों यहाँ पे बनाता हूँ, ये एपिसोड डेली बेसिस पर निकालने में दोस्तों हमारा बहुत रिसर्च लगता है। तो यदि आप एपिसोड एंड तक देखते हो तो कमेंट में RICH रीच वर्ड जरूर ड्रॉप कर देना, क्योंकि पता चला यार YouTube इंडिया में कितने ऐसे हमारे प्यारे व्यूअर हैं जो ऐसे अनकट एपिसोड को एंड तक देखना पसंद करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।